2011 में रिलीज होने वाली द डॉक्टर मूवी में एक डॉक्टर अपनी एक पेशेंट से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और अपने इस प्यार को पाने के लिए वो क्या क्या करता है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द गुड डॉक्टर मूवी का पूरा एक्सप्लेन। हम देखते हैं एक यंग एंड स्मार्ट डॉक्टर को जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है यहाँ इसका पहला साल है और यहाँ पर वो स्पेनिश के एक पेशेंट को देखता है। बट मार्टिन को स्पेनिश नहीं आती और उसे उस पेशेंट की कोई भी बात समझ नहीं आती। फिर भी मार्टिन उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसे दवाई दे देता है। उसके बाद इसी हॉस्पिटल में हम एक नर्स देखते हैं जिसका नाम है थेरेसा। वो मार्टिन से कभी ढंग से बात नहीं करती इसीलिए मार्टिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब हम इसी हॉस्पिटल में जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो बहुत ही यंग और बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसे किडनी इन्फेक्शन है और मार्टिन कहता है तुम जल्द ठीक हो जाओगी। वो घर आकर बहुत अकेला फील करता है क्योंकि उसके ना तो मदर और फादर है ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड और वाइफ है। फिर नेक्स्ट डे जब मार्टिन हॉस्पिटल में जाता है उसका ट्रीटमेंट के लिए तो वो वहाँ डायन के पास एक डायरी देखता है जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखती है। अब ट्रीटमेंट के दौरान ही डॉक्टर मार्टिन को डायन से प्यार होने लगता है और वो चाहता है कि डायन यहाँ से कभी न जाए। उधर थेरेसा डॉक्टर मार्टिन से कहती है कि बाहर आओ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। थेरेसा डॉक्टर मार्टिन से कहती है कि तुमने जो दवाई उस पेशेंट को दी थी वो उसे साइड इफेक्ट कर गई है। बट रिपोर्ट में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता कि इस दवाई से उस पेशेंट को कोई नुकसान होगा। लेकिन मार्टिन की कोई गलती नहीं थी फिर भी थेरेसा उसी को ब्लेम करती है। एक बार डायन का बॉयफ्रेंड भी रिच उससे मिलने आता है और मार्टिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चला जाता है और डॉक्टर मार्टिन डायन से बात करने लगता है। फिर एक बार डायन को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो दोनों बहस रहे होते हैं। मार्टिन कहता है अगर तुम किसी और को लाइक करती हो तो तुम्हें इसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो बात ही कर रहे होते हैं तभी थेरेसा बिना लॉक किए ही अंदर आकर डॉक्टर मार्टिन पर बरसने लगती है। और अब डायन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। अगले दिन जब डॉक्टर मार्टिन हॉस्पिटल आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर डायन है ही नहीं। वो बहुत उदास हो जाते हैं। फिर डायन के फादर मार्टिन को थैंक्स कहने आते हैं और उनके फादर डॉक्टर मार्टिन को खाने पर भी इनवाइट करते हैं। अब डॉक्टर मार्टिन को मौका मिल गया था और वो बहुत अच्छे से रेडी होकर डायन के घर जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो डायन वहाँ होती ही नहीं। वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी। लेकिन जब वो डिनर करते हैं तो डायन की बहन जिसका नाम वैलरी है उसके भाई से उसकी ड्रेस पर खाना गिर जाता है। वो चेंज करने के लिए जाती है तब डॉक्टर मार्टिन को भी वॉशरूम जाना होता है और वो गलती से वैलरी के रूम को ओपन कर देते हैं। लेकिन वो सॉरी करके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डायन के बहन वैलरी को डॉक्टर मार्टिन से प्यार हो जाता है। फिर डॉक्टर मार्टिन डायन के बेडरूम भी जाते हैं। वहाँ उन्हें डायन की एक फोटो दिखाई देती है। वो चुपके से उसे उठा लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं। अब यहाँ इधर हॉस्पिटल में इनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। फिर मार्टिन को वैलरी की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया था लेकिन तुम्हें देना भूल गए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ या फिर तुम कल घर आ जाना क्योंकि आज शाम तो मैं घर पर नहीं होंगी। लेकिन मार्टिन को ये भी अच्छा लगता है कि वैलरी घर पर नहीं है और अब वो शाम में ही डायन के घर जाता है। पर यहाँ वो डायन की चाहत में कुछ गलत ही कर देता है। वो चुपके से डायन की दवाइयाँ अदल बदल कर देता है जिससे डायन मार्टिन के हॉस्पिटल में फिर से एडमिट हो जाए। और फिर ऐसा ही होता है डायन को उन दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाता है और वो मार्टिन के हॉस्पिटल में फिर से एडमिट हो जाती हैं। मार्टिन उसका ट्रीटमेंट करता है लेकिन वो जल्द ठीक ना हो इसीलिए मार्टिन उसकी दवाइयाँ चेंज करता रहता है। यहाँ तक कि वो उसके रिपोर्ट्स में भी चेंजेस कर देता है। अब डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सभी दवाइयों का डायन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। फिर एक बार जब मार्टिन डायन की दवाइयाँ चेंज कर रहा था तब उसे वहाँ एक लड़का जिमी नाम का एक लड़का जो कि डॉक्टर होता है वो दिखाई देता है। वो एक पेशेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था लेकिन जब वो उस पेशेंट से पूछता है तो वो कहती है कि वो उसकी मर्जी से ही उसके साथ इंटीमेट हुआ है। फिर एक बार जब डायन कमरे में होती है और मार्टिन उसे देख रहा होता है उसे रिच की कॉल आती है पर वो उसे रिसीव नहीं करती। डायन मार्टिन से कहती है कि वो ठीक तो हो जाएगी ना
इस पर मार्टिन कहता है, हाँ तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़े। वो कहती है कि क्या तुम करोगे मेरा ऑपरेशन? वो कहता है कि वो ऑपरेशन नहीं करता और शायद सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर रिच आता है एक बड़ा सा बैलून लेकर। वो उसे मनाने के लिए आता है, लेकिन मार्टिन उसे रोकता है और कहता है तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। रिच कहता है कि उसे डायन को देखना है, बट मार्टिन ये कहकर उसे भेज देता है कि डायन सो रही है। फिर हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट सर्जन डॉक्टर को बुलाया जाता है और डायन का ऑपरेशन भी हो जाता है। उसके बाद मार्टिन डायन के पास आकर उसकी हालत के बारे में पूछता है, तो फिर डायन कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ क्यों नहीं है? वो कहता है मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। डायन कहती है मुझे लगता था शायद तुम मेरी बहन में इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो साफ मना कर देता है। डायन कहती है अच्छा हुआ तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि वैल्ट्री एक अच्छी लड़की नहीं है। और अब डायन भी मार्टिन को पसंद करने लगी थी। तभी वो बेहोश हो जाती हैं और मार्टिन खुद को रोक नहीं पाता। वो बेहोशी की हालत में ही डायन को किस कर लेता है। फिर वो रात में लंबे टाइम तक जागता रहता है और उसे पता चलता है कि डायन की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई है। वो भागकर डायन के पास आईसीयू में जाता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि डायन की सांसें नहीं चल रही हैं और डॉक्टर उसे सीपीआर भी देते हैं, लेकिन डायन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता और डायन की मार्टिन के सामने ही डेथ हो जाती है। मार्टिन ने उस मासूम सी लड़की को अपने ही हाथों से अपने स्वार्थ के लिए मार दिया था। बहुत दिन तक तो मार्टिन खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर गिल्ट फील करता है। फिर हेड डॉक्टर मार्टिन के लिए एक थेरेपिस्ट भी बुलवाते हैं। वो समझते हैं कि ये लड़की उसकी पहली पेशेंट थी और यही मर गई। हो सकता है वो मेंटली हालत पर ठीक ना हो। फिर डायन के फादर वहां आते हैं और मार्टिन को कहते हैं तुम ही मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार हो। हेड डॉक्टर उन्हें कहते हैं इसमें मार्टिन की कोई गलती नहीं, कभी कभी रेयर कंडीशन में पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है। गार्ड्स उनके फादर को वहां से ले आते हैं। फिर कुछ दिन बाद वही लड़का जिमी, जो एक पेशेंट के साथ इंटीमेट हुआ था, उसे वही डायरी मिल जाती है जो डायन ने अपने पास रखी थी और उसमें मार्टिन के बारे में सब लिखा हुआ था। जिमी डॉक्टर मार्टिन को वो डायरी दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसे एक ही शर्त पर वापस करेगा कि वो उसे ड्रग्स ला कर दे, नहीं तो वो डायरी उसे सबके सामने बता देगा कि तुम्हारा डायन के साथ कुछ चल रहा था। मार्टिन उसे ड्रग्स ला कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे डायरी वापस नहीं करता और ब्लैकमेल ही करता है। फिर मार्टिन उसके लिए जब ड्रग्स बनाता है तो उसमें जहर डाल देता है, जिसे लेकर से जिमी की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब जिमी ज्यादातर ड्रग्स लेता था, इसलिए उसकी मौत का कोई ज्यादा अफसोस नहीं करता। सबको यही लगता है कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से जिमी की डेथ हो गई है। अगले दिन मार्टिन के घर डिटेक्टिव आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो मार्टिन से कई सवाल करते हैं, जैसे कि वो उसके बारे में क्या जानता है, क्या वो ड्रग्स एडिक्ट था या फिर उसकी किसी से दुश्मनी थी। मार्टिन कहता है कि जिमी को वो ज्यादा नहीं जानता, इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। तभी वो डायरी मार्टिन के पास थी, वो सोफे के पास गिर गई थी। मार्टिन उसे उठाकर टॉयलेट में फ्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी भी ज्यादा बाहर आ जाता है। मार्टिन टॉयलेट के छोटे विंडो से बाहर आता है और सोचने लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। अब वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और समुद्र में चला जाता है और पानी में डूबकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन रियली में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो ये सब इमेजिन कर रहा था। वो अपना फैसला बदलता है और वापस उसी विंडो से घर आता है और उस डिटेक्टिव से कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाने से देर हो रही है, बाकी सवाल फिर कभी करेगा। फिर मार्टिन हॉस्पिटल चला जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और उसने दो लोगों का मर्डर का राज खुद के अंदर दफन कर दिया था। और फिर कुछ इसी तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। बाकी मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।